अपना दोस्त का कि वी आर अबाउट जल्दी आओ चलो एक नंबर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और यार दोस्तों, संडे की सुबह है और वैसे थोड़ी देर हो चुकी है यार, ये सुबह थोड़ी जल्दी हो जानी चाहिए थी, बट अभी क्या है ना कि उठे, ब्रश व्रश किया, रेडी वेडी हुए, अभी जा रहे हैं शर्मा चाय और हस्बैंड आ जाएं, बूजों को लेकर गए हुए हैं बाहर वॉक पे, तो वो आ जाएं फिर जाते हैं, और हिमांशु चाचा हम लोग को वहीं पे मिलेंगे, तो बाकी आगे का व्लॉग अभी स्टार्ट होगा थोड़ी देर में वहीं से। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं शर्मा और बूजों को देखिए, बूजो ए बूजो देखता नहीं है, इतना बदतमीज़ है ये क्या क्या तो वहाँ कहाँ चढ़ रहे हो, वहाँ चढ़ने से अच्छा क्या होगा। सिट बेटा, बूजो सिट, बूजो गुड बॉय सिट। ये है हमें हमारा स्पॉट है ये, दावे लेके आऊँ क्या खाओगे बताओ। ये रहा शर्मा। तो गाइस ये हमारा पूरा खाना आ चुका है, समोसे चाय पोहा, चलिए अब खाते हैं इसको। खाने के उधर जाएंगे क्योंकि उधर ही बेंच है, उधर बैठ के आराम से। हाँ भाई आइकॉनिक टेस्टर खा लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं, ठीक है। हे गाइस, यार गर्मी इतनी है ना, इतना इरिटेट हो गए, ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जैसे तैसे थोड़ा बहुत जो भी बन पड़ा खाया, और इन्होंने तो वो भी ठीक से नहीं खाया क्योंकि गर्मी इनको इतनी ज़्यादा लग रही थी, इज लिटरली स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। तो फिर बस हम लोग गाड़ी में बैठे, थोड़ा बहुत गाड़ी में जो खा पाए खा पाए, बूजो के पीछे आप देख रहे हैं, अब जाकर थोड़ा नॉर्मल हुआ है, ये तो बाहर पागल हो गया था गर्मी में, बट स्टिल इसने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया है। एनीवेज अभी हम लोग निकल रहे हैं घर, रास्ते से मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट पैक करवाएंगे एंड देन हम लोग घर जाएंगे, फिर घर जाके बहुत सारे काम है, और आज आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी है, आप लोगों को एक बात बतानी है, तो वो भी हम घर जाके बताएंगे, ठीक है, घर जाके बताएंगे ना। तो फिर घर पे आप सबसे मिलते हैं, रास्ते में देखते हैं कहीं रुकना होता है क्या होता है, तो अगर बना तो शूट कर लेंगे, एल्स सीधा घर पे मिलते हैं, ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, तो यार घर आ गए थे, नहा धो लिया और अभी पूरी फैमिली के संग बैठे हैं यहाँ पे, ये मम्मी का ब्रेकफास्ट। अच्छा तो हम लोग ने उस टाइम पर शूट नहीं किया था क्योंकि यार बहुत जल्दी में थे थोड़ा, तो था गर्मी लग गई थी, तो ये हम मम्मी के लिए लेके आए थे, ये A1 से लिया था स्वाद से, बर्गर, ढोकला, जलेबी, ये मम्मी के कुछ फेवरेट चीज़ें हैं। मम्मी खा के बताओ कैसा है। बहुत अच्छा, मम्मी बताएंगी ना, बहुत अच्छा। तो खा के बताओ, पहले खा लो पूरा, टेस्ट ले लो, नहीं पहले टेस्ट ले लो पूरा फिर बताओ। मम्मी ने मुँह में रख के ही यूं कर दिया, बढ़िया है। और ये खा के बताओ ढोकला, नहीं पहले मम्मी टेस्ट करके बता रही है ना। अच्छा बढ़िया, बर्गर खो खराब कर रहे हैं। तो गाइज अभी यही सब चल रहा है, नाश्ता पानी अपना, ज़्यादा रिकॉर्ड वहाँ पर शर्मा पे आज कर ही नहीं पाए, इतनी गर्मी थी दिमाग ही ख़राब हो गया था। खैर और ये देख लीजिए ये बेचारा कैसे पड़ा हुआ है। तो बाकी अभी थोड़ी देर में आप सबसे बातचीत करते हैं, थोड़ी नाश्ता हो जाए फिर, ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। यार थोड़ी देर के लिए ना सो गए थे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो सो के उठे तो देखा कि सब लोग ये देखिए आ गए, इधर आइए। तो इनको जो है भूख लग रही थी खाने का, इनका टाइम हो गया था, इन्होंने मुझे उठाया नहीं, बट मेरी नींद खुद ही खुल गई खटपट से ना थोड़ा सा, मैंने देखा सब मम्मी और ये किचन में अपना अकेले अकेले कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ बना लें। तो फिर हम उठे, फिर हमने देख लिया, हमने कहा चलो चल के अब दिखाते हैं आपको क्या बन रहा है। ये देखिए ये बन रहा है डोसा, ये है उसकी चटनी, और इसमें सांभर, कुकर की हालत से पता चल रहा होगा इसमें सांभर है, ये है इसके अंदर फिलिंग के लिए आलू, तो ये अपना डोसा जो है बन रहा है यहाँ पे। वाह, इसको थोड़ा सा ना और वो कर लेते हैं, क्रिस्प कर लेते हैं दूसरी साइड से। ये है अभी इसके बाद हमें कहीं जाना भी है और वहाँ जाके हम आपसे कोई बात शेयर करेंगे। अभी तक आप सोच रहे होंगे बार बार यही बोल रही है बट कुछ बता नहीं रही है, क्योंकि इट इज़ वेरी स्पेशल, इट हैज़ टू बी इन समवेयर स्पेशल एंड रिलेटेबल प्लेस नो, तो इस वजह से वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो अभी खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं डोसे का क्या हुआ। तो
गया दोस्तों, अब है रेडी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा लेंगे आलू, और मेरे हस्बैंड की डिमांड है आलू थोड़ा सा ज़्यादा लगा देना यार, तो बस ठीक है फिर आलू ज़्यादा लगा देंगे। थोड़ा सा और लेंगे, आ गया, आ ही नहीं रहा, देखते हैं गाइस। एनीवेज हाँ, हुआ ना ज़्यादा। डोसा रेडी हो गया, देखना कितनी जबरदस्त की प्लेटिंग करी है मैंने, वाओ। एंड यहाँ पे ना थोड़ी सी चटनी कम है, थोड़ी सी चटनी और ले लेंगे फॉर हिम एंड विल गिव दिस टू। वैसे उन्होंने कहा था आवाज लगा रहा हूँ, मम्मी कैसा है? बढ़िया है, आप भी खा के नहीं, आपका मेरा का मन नहीं है, खाना खा लेते खा के बताओ कोई बात नहीं, चलो खा लो ठीक है। एक दो डोसे और बनने हैं, वो बना लेते हैं और आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो गाइज ये है हमारा खाना, ए थोड़ा गिर गया लाने में थोड़ा सा, आप ज़्यादा इसको इग्नोर कर देना, चलो मैं आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बन रहा है। दिस एंड अभी रुको यार, अब एंगल सेट करना पड़ेगा ना मस्त हो रहा है सांभर। मम्मी ने काम वाली कुछ खास बना के नहीं गई थी, मम्मी ने इसको ठीक किया, मम्मी और हस्बैंड ने मिलके, तो इन लोगों ने बनाया इसको, चटनी वो बना के गई थी, डोसा मैंने बनाया, आपको दिखाया भी ना, ऐसे मिल मिलाकर सबने बनाया और ये डिश बहुत ही सुपर बनी है। इसको फटाक से खा लेते हैं फिर आगे क्या करना है आगे चलते हैं, ठीक है, चल दें सीट। हे फ्रेंड्स, तो आपको मेरा बैकग्राउंड देखकर क्या समझ में आ रहा है, ऑल दीज क्यूट क्यूट लिटिल थिंग्स। तो यार हम लोग अभी आए हुए हैं फर्स्ट क्राई फॉर सम शॉपिंग, शॉपिंग क्या की क्या नहीं आपको घर जाके दिखाएंगे, फिलहाल हम लोग अभी डिस्कशन में हैं कॉट के, वी आर लुकिंग ओवर द कॉट। अच्छा डिस्कशन में नहीं है, फाइनल हो गया, वाह अभी दिखा। ये देखो भैया इन्होंने पहले ही पसंद कर लिया है, ये कॉट लेना इनको, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और गाइज मुझे ना ये अच्छा लगा था जस्ट बिकॉज ये अलमीरा टाइप की है इसमें, और ये बेड से अटैच हो जाता है, बेड से अटैच वो भी हो जाता है, बट पता नहीं क्यों मुझे ये पसंद है, शायद इसके कलर की वजह से, लाइट लाइट कलर है। हाँ इनको ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये एकदम उसकी तरह क्रेडल की तरह चलेगा ये अपना, ये देखो ये भी नीचे वो भी लग जाएंगे, और दूसरा अच्छा स्पेस भी है, और इसमें नीचे स्पेस फुल स्पेस है, ओके, और अच्छा खासा स्पेस है देखो, इस वजह से ले रहे हैं। ऐसे बनेगा आपका 10 ईयर तक, दिखाइए। अच्छा ऐसा बन जाएगा, आप देख लो, आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी क्यूट क्यूट चीजें हैं जो की हम लोग बाद में हम लोग लेंगे और घर जाकर, अब ना घर जाकर आप लोग से बात करते हैं और क्या लिया क्या नहीं सब आपको दिखाते हैं, बाकी आगे की बात भी घर जाके करेंगे, ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून। हे फ्रेंड्स, तो यार हम लोग घर आ गए, और जो आप लोग समझ गए होंगे बट स्टिल बता देते हैं। हे फ्रेंड्स, तो हम दोनों ये बात आपको साथ बताते हैं कि वी आर अबाउट टू बिकम पेरेंट्स, गुड न्यूज़, और वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस थिंग ना, ये सबके पास नहीं होता, एंड हम लोग बहुत हैप्पी बहुत खुश हैं। हम लोग ने सोचा था कि किसी दिन साथ में इस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे अपने मतलब सब्सक्राइबर्स के संग, अपनी यूट्यूब फैमिली के संग, और साथ में इस चीज़ को जो है मतलब बताएंगे सबको, तो आज ही वो दिन है। और आज हम गए भी थे उसका थोड़ा सा बेबी का सामान वगैरह लेने के लिए, और थोड़ा कुछ एक आध मेरी चीज़ें थी वो लेने के लिए, तो सारी तो नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत सारा सामान है, बट थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं हमने वहाँ पर क्या लिया क्या नहीं, लेट्स गो। तो ये है सबसे पहली चीज़, इसको खोलिए ना, यहाँ रखिए, जंपसूट हाँ जंपसूट, ये हमने लिया है इनकेस क्या बोलते हैं मतलब बहुत ठंडी तो वैसे होगी नहीं उस टाइम पे, बट स्टिल हमने ले लिया है, थोड़ा सा पैक रहता है ना बच्चे को, थोड़ा सा वो मिलता है, तो ये हमने न्यूबॉर्न का लिया, बट हमें इसको देखकर लग रहा है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बट स्टिल ठीक है, वी हैव दिस।
एंड दीज आर सेट ऑफ थ्री पजामास फॉर माई बेबी गर्ल। बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसके संग का अपर भी है बट अभी वो ना भी दिखा नहीं सकते, पता नहीं वो कहाँ कहाँ रखा हुआ है सब। एंड ये है उसके लिए रैपिंग शीट, उसको रैप करके यहाँ भी है उसका हेड अंदर जाकर फिर वो करने के। ये है राई वाली पिलो ये, एंड ब्लैंकेट थोड़ा कोजी सा ये अंदर से उसका बढ़िया। और ये है दिस इज़ बेबी किट वी हैव बॉट ऑफ हिमालया। हिमालया का इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जॉनसन का कुछ अवेलेबल नहीं था, अवीनो बेबी के भी एक दो प्रोडक्ट्स ही थे, बट इसमें ये अकेला था हिमालया जिसमें सारी चीज़ें एक साथ थी। वाइप्स है, पाउडर है, देन यहाँ पर शैम्पू है, फेस हाँ मॉइस्चराइज़र है, फेस क्रीम है और सोप भी है, काफ़ी कुछ है, तो इसलिए हमने इसको ले लिया। ये है बेबी का टॉवल। हाँ खोल के आप दिखाओ ना, यहाँ ये उसका टॉवल है, टाइगर। हाँ टाइगर, टाइगर बन के आएगी। तो ये है उसका टॉवल। और ये है बेबी नेस्ट, ये दिखेगा कुछ ऐसा। हाँ कुछ ऐसा दिखेगा ये। ये है बेबी नेस्ट। तो ये था सारा सामान, सारा नहीं मतलब और भी बहुत कुछ है बट अभी क्या क्या दिखाएं यार, फिर सारा पूरा खोलो वो करो। तो एक शेयर करनी थी ये बात आप सबसे, और इसलिए फिर क्या बोलते हैं ये सब हमने आपको दिखाया कि मतलब हम लोग ये सब कुछ अपना लेकर आ गए हैं सामान बेबी का। कुछ एक दो चीज़ें मेरी भी थी वो भी हम लोग ले आए आज जा कर के। तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग, और बाकी जो भी मेरे रूटीन व्लॉग्स होंगे वो आते रहेंगे अब तो फिर। और हाँ नेक्स्ट मंथ से मैं छुट्टी पे जा रही हूँ तो वैसे भी मतलब डेली व्लॉग्स आएंगे, रील्स तो फिर भी आएंगी, तो विल ट्राई कि व्लॉग्स भी डेली आते रहें बिकॉज आई विल बी फ्री, कोई काम नहीं होगा, लेट नाइट जगना नहीं होगा क्योंकि अभी 31st तक तो मेरी शिफ्ट है, वो तब तक के लिए विल बी कनेक्टेड। तो ये है अभी बन रहा है खाना, कटहल की सब्ज़ी बन रही है, बाकी डिनर पर आप सबसे मिलते हैं। और आप सब बताइएगा आपको ये मतलब न्यूज़ सुन के कैसा लगा, आपको बेबी की शॉपिंग कैसी लगी, ये सब आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। ये देखिए इनको, इतना खुश कौन होता है भाई, खुश क्यों नहीं होना, खुश होना चाहिए। ये बहुत खुश हैं, ये इनको बहुत अच्छी लगी थी, ये तो खैर मुझे मम्मी को और इनको तीनों को हम लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, तो हम लोग ने ले ली, रहा नहीं किया, हमने कहा ले लो बेबी के काम ही आता है ये सब, तो क्योंकि फुल में हमारे पास था नहीं तो ये। चलिए अभी सीधा डिनर पे मिलते हैं, बाकी की बातें तभी करेंगे, टिल देन स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। ये अपना डिनर चल रहा है, डिनर में आज है अपने पास सांभर, सांभर दिन में बना था ना थोड़ा सा वो ले लिया, कटहल अभी मम्मी ने बनाई, रोटी, इनके पास रायता भी है बिकॉज इन्हें वो नहीं खाना, और इसमें है मटर पुलाव। मम्मी एक मिनट पुलाव दिखा दो खोल के। हाँ सीटी उतर गई है उसी टाइम, ये देखिए हाँ बनाई भी वैसी है, चला दो उसको, बढ़िया। एक चम्मच ऊपर कर निकाल के दिखाना मम्मी से, एक नंबर, बहुत बढ़िया, ठीक है मम्मी। फ्रेंड्स अभी खाना खा लेते हैं और तुम खा चुके हो बेटा फिर। हाँ ये देखिए ये खा चुका है लेकिन ये फिर से उठा है, तुम्हें फिर खाना है, जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स खाना वाना खा लेते हैं फिर बूजो के साथ इस ब्लॉग को एंड करेंगे, तब आपसे बात करें, ठीक है। इस तरह डिनर वगैरह हो गया, अभी हम लोग आए वॉक करने। ये देखिए ये सो गया था, हम लोग को इसने देखा कि हम लोग वॉक पे जा रहे तो आ गया, चलो ऊपर चलो आओ जल्दी आओ चलो, तुम्हें क्यों वॉक करनी रहती है। ये देखिए इसको ना जी हवा चल रही है, हम लोग छत पे आ गए ऐसे, मतलब अब ये रूटीन ये है ना कि डेली क्या कहते हैं डिनर वगैरह करके हम लोग वॉक करते हैं, तो वही आ गए। बूजो भी वॉक कर रहा है, देखिए इसका बीजो, बीजो इधर आओ इधर आओ इधर आओ यहाँ इधर आओ इधर आओ। तो गाइस अभी क्या करते हैं, वॉक करेंगे और व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, और आप सबसे अगले व्लॉग पे ज़रूर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा और बूजो की तरफ से भी गुड नाइट, बूजो सबको गुड नाइट कह दो, गुड नाइट बाय। और अगले व्लॉग पे मिलेंगे, ये व्लॉग कल 8 बजे अपलोड हो जाएगा शाम में,
इसको ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, टिल देन बाय, गुड नाइट।